हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सएप। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी भी तुरंत नहा लिया मैंने और मैंने सुबह सुबह ही आज पूजा कर लिया। वैसे मैं एक्चुअली मॉर्निंग में ही पूजा करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे सुबह सुबह नहा के पूजा करना अच्छा लगता है। बट कुछ टाइम से मेरा रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, मैं थोड़ा लेट नहाती थी और उसके बाद पूजा करना स्टार्ट करती थी शाम में। तो मैंने आज जो है सुबह ही नहा लिया और एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। और आलोक गए हुए हैं बाहर कुछ सामान वगैरह ले आने के लिए। और गाइज, कल मैं गई थी, मेरी मामा की बेटियाँ रहती हैं बानेर में, तो मैं मिल गई थी उससे। मैं सोची थी वहाँ पे ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोग को दिखाऊँगी, बट हो नहीं पाया। और थोड़ा बहुत मैंने बनाया हुआ है ब्लॉग, वीडियो बनाया हुआ है मैंने, तो उसको देखिएगा आप लोग और बताइएगा कि कैसा लगा। उसकी बेटी है तीन साल की, वो बहुत ही क्यूट है गाइस, बहुत ही प्यारी है। वो फर्स्ट टाइम किसी से भी मिलती है ना, तो उसको ये नहीं लगता कि हाँ पहचान नहीं रही है या फिर रोना स्टार्ट हो गया या कुछ, और ऐसा कुछ भी उसको लगता नहीं है। वो एकदम ऐसे मिलती है ना तो जैसे लगता है कि वो पहले ही मिल चुकी है और इतना इंजॉय करती है। उसके साथ तो कोई बोर हो ही नहीं सकता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उससे मिलके, और हम लोग मिलते रहेंगे, हम लोग यहीं पर रहते हैं। मैं यहाँ हिंजेवाड़ी में रहती हूँ और वो बानेर में रहती है। तो मैं जब से यहाँ पर आई थी पुणे तब से मिली नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था उसके आगे में। और तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप देखिएगा। और तो कुछ नहीं, घूमने का प्लान अभी हो नहीं रहेगा, इसमें तो मैं घूमने का ब्लॉग आपको दिखाती। बट अभी क्या है कि गर्मी बहुत पड़ना स्टार्ट हो गई है ना, मौसम काफ़ी गर्म हो गया है, तो इस वजह से हम लोग जाने का प्लान पोस्टपोन ही करते जा रहे हैं। और एक्चुअली ये भी है कि आलोक का ऑफिस भी चल रहा है, तो कंपनी को चेंज करनी है आलोक को, क्योंकि उनकी इन्फोसिस में हो गई है, तो अभी वो छुट्टी ले नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग का प्लान भी थोड़ा नहीं बन पा रहा है। कोई नहीं, हम लोग वीकेंड पे जाएंगे, बट अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। अचानक कहीं जाने का प्लान बन जाए वो बात दूसरी है, बट अभी कोई प्लान नहीं है हम लोग का जाने का कहीं पे। तो गाइज, आप लोग देखिएगा, मैं आपको वो वीडियो दिखा रही हूँ, तो कंटिन्यू। तो गाइज, मैं नहाने से पहले तो एक बार चाय ले लिया है, बट मैं अभी जा रही हूँ चाय पीने दोबारा। एक्चुअली नहाने के बाद फिर से आज मन कर रहा है मेरा चाय पीने का, तो मैं दूध की चाय नहीं बनाऊँगी। एक्चुअली मैं अब बनाना स्टार्ट की हूँ ब्लैक टी, क्योंकि ब्लैक टी वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती हेल्थ को, और दूध की चाय वो थोड़ा नुकसान करती है, वेट बढ़ाती है। तो इसलिए मैं अब थोड़ा कभी कभी मन करता है तो पी लेती हूँ, लेकिन अब मैं ब्लैक टी ही बनाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ ब्लैक टी में, वो आप देखिएगा और ट्राई करिएगा कि आपको कैसी लगी, बना कर देखिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ चाय ब्लैक टी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ। ओके, ये देखिए मैंने पानी रख दिया है, एक कप मैंने पानी ले लिया है इसमें, और मैं इसमें डालूँगी, ये तो मैंने आपको बताया था कि मैं क्या डालती हूँ, मैं डालती हूँ पतंजलि का भूरा, और मैं इसको थोड़ा स्लो कर देती हूँ, और अब मैं डालूँगी चाय पत्ती। तो ये देखिए गाइस, मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती ज़्यादा नहीं डालेंगी, जैसे दूध की चाय में चाय पत्ती ज़्यादा पड़ती है, बट इसमें 1.5 चम्मच के आसपास मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती, और इसको थोड़ा सा स्लो कर दीजिए,
और अब मैं डालूंगी इसमें, ये देखिए मैंने यहाँ पे अदरक खोल के रख दिया है, अदरक और इलायची। तो इसको मैं डालूंगी इसमें चाय में, चाय का कलर दिखेगा इसके कितना अच्छा आ रहा है। तो इसमें डालूंगी मैं अदरक और मैं इसमें और डालूंगी काली मिर्च और ये जो मैंने दाल भी चढ़ा दिया है गैस पे, जो दाल हो रही है इधर, खाना खाने का टाइम हो ही जाएगा। और मैं अब डालूंगी गाइस इसमें एक तेज़पत्ता, ये मैं डालूंगी तेज़पत्ता है, ये चाय में डाल, चाय का स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है, एक तरीके से ये मसाला चाय भी होगी। पर इसमें मैं दूध नहीं डालूंगी और ये पकेगी अभी 10 मिनट के लिए, मैं इसको छोड़ देती हूँ पकने के लिए। ये पकती रहे और इधर मैं गैस धीमी कर दी हूँ दाल की, तो थोड़ा सा ये हो जाए तो फिर मैं इसको, वैसे ज़्यादा देर तक तो नहीं पकाते हैं ये बिना दूध की चाय जो होती है, ब्लैक टी जो होती है हमारी, बहुत देर तक नहीं पकाते हैं, पर 5 मिनट तो एटलीस्ट पकाएं इसको। ये देखिए गाइस कितना, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो पकने दीजिए। आलू आए लेकर आए हैं नारियल पानी, तो अभी पियेंगे हम नारियल पानी, पर अभी चाय भी मिला रहे हैं उसके बाद फिर पियेंगे नारियल पानी। ये देखिए गाइस मेरी चाय हो गई है और मैं अब इस गैस को कर देती हूँ बंद, मैं इसको निकाल देती हूँ कप में। गैस तो ये बन गई मेरी ब्लैक ट्री, वाओ ये है गाइस, ये है मेरी ब्लैक ट्री। तो गाइस तो फिर मैं चाय पीती हूँ और आप भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा ऐसा चाय बनाने की, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और एक तरीके से ये हेल्दी भी होती है, आपको ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी ये चाय। और वैसे भी जो मिल्क टी होती है उससे ज़्यादा ये फ़ायदा करती है हमें, मिल्क टी वो वेट ही बढ़ाती है हमारा और कुछ भी नहीं करती। तो गाइज आप हमारा जो वीडियो है मैंने जो कल बनाया था उसको इंजॉय करिए, तो देखिए कंटिन्यू। अच्छा बनाई मैंने, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस ये देखिए ये भी ना हाई नहीं है और मैं नहा रही हूँ और ये मैं बनाई हूँ ब्लैक ट्री। मैं पानी बचाता हूँ दो दिन में एक बार नहा लेता हूँ। अच्छा कुछ भी गाइस हाल से नंबर वन है, नहाते नहीं है, सेफ वाटर नहाते हैं, ऐसा नहीं नहाते, सेफ वाटर सेफ सॉइल, सारा नहा रही नहीं सेफ वाटर है। ये देखो कॉफी पी पी के कॉफी बर्बाद कर दी, पानी बर्बाद, कॉफी नहीं है ये ब्लैक टी है। और बताएं इसमें गाइस को भी कैसे लगा, गाना चला गया। हाँ। तो फिर कैसे करोगे डांस? ये कौन सा डांस कर रही हो, ये कौन सा डांस है? बिजली वाला, बिजली वाला, बिजली डांस। हाँ। अच्छा हाय हाय टीडू 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 टीडू, क्या नाम है आपका? मेरा गौरी गौरी। तुम मर्दी हो?
मौसा तुम बोलती हो आप बोलते हैं ना गया वो आपके लिए है वो देखो ना कोई भी ऐप अगर आपके लिए है कौन है ये गौरी है क्या ये पानी क्या पानी होता है अच्छा क्या लिख रही हैं आप पॉकली पॉकली हाँ ये क्या है पॉकली पॉकली ये क्या बना रही हैं ये वाओ पॉकली दे वेरी नाइस इतने पतले तो Yeah.